विद्यारंभ, जो 11वां संस्कार है। आचार्य द्वारा अक्षर ज्ञान देने का आरंभ ही विद्यारंभ संस्कार होता है। शिक्षा का आरंभ यानी विद्यारंभ। मनुष्य का मन सदा ही ज्ञान प्राप्ति में विभिन्न बाधाओं को उत्पन्न करता है। कभी किसी अन्य विद्यार्थी से ईर्ष्या हो जाती है, कभी पढ़ाए हुए पाठों पर संदेह जनता है, और कभी गुरु द्वारा दिया गया दंड मन को अहंकार से भर देता है। नहीं, क्या ऐसा नहीं होता? शिष्यों, आज तुम सबके लिए नया जीवन आरंभ हो रहा है। विद्या प्राप्ति से बढ़कर जीवन में अन्य किसी वस्तु का अधिक महत्व नहीं होता। विद्या प्राप्ति के प्रथम दिन से अधिक महत्व जीवन के अन्य दिनों का नहीं होता। आज ये निश्चित होगा कि आने वाले वर्षों में तुम सब क्या सीखोगे और कितनी विद्या प्राप्त करोगे। सामने वृक्ष की शाखा पर लकड़ी का बना पक्षी रखा है, उसकी आंख को बींदना है अपने तीर से। युधिष्ठिर, तुम सबसे ज्येष्ठ हो, इसलिए सामने आओ। लक्ष्य साधो। क्या दिखाई दे रहा तुम्हें? वृक्ष दिखाई दे रहा है गुरुदेव। वृक्ष की वो शाखा और शाखा पे वो पक्षी दिखाई दे रहा है। शाखा के पीछे अन्य शाखाएं हैं जिस पर किसी पक्षी का घोंसला है। तीर चलाते समय मुझे ये ध्यान रखना होगा कि वो घोंसला ना गिर जाए। अद्भुत पुत्र, तुम्हें एक साथ कितना कुछ दिखाई दे रहा है। अच्छे शासक का ये सर्वप्रथम गुण है जो तुम्हारे पास स्वाभाविक रूप से है, परंतु तुम धनुर्धारी नहीं बन सकते। धनुष नीचे रखो और अपने स्थान पर लौट जाओ। दुर्योधन, तुम सामने आओ। लक्ष्य साधो। क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें? मुझे तो केवल पक्षी और वृक्ष की शाखा दिखाई दे रही है गुरुदेव। किसे गिराऊं, पक्षी को या शाखा को? शाखा पर रखे पक्षी की आंख को इस प्रकार बींधना है कि पक्षी शाखा से नीचे न गिरे। ठीक, कैसे संभव है गुरुदेव? जब प्रहार होता है तो परिणाम भी होगा। जब तक परिणाम पर अंकुश ना हो, जब तक परिणाम की मात्रा पर नियंत्रण ना हो, योद्धा प्रहार नहीं करता। धनुष नीचे रखो, अपने स्थान पर लौट जाओ। अर्जुन, लक्ष्य साधो। क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें? केवल पक्षी की आग दिखाई दे रही है गुरुदेव। अद्भुत पुत्र, इतनी शीघ्रता से किसी को धनुर्विद्या प्राप्त नहीं होती। तुम अनन्य हो।
तुम विश्व के श्रेष्ठ धनुर्धर बनोगे। मैं तुम्हें विश्व का श्रेष्ठ धनुर्धर बनाऊंगा, ये मेरा वचन है पुत्र। उसकी भुजाएं बदले कथाएं, भागीरथी तेरी तरफ शिवजी चले, देख जरा ये विचित्र माया। मनोविनोदमद्भुतं विभर्तु भूतवर्तरी।